बड़ा दायित्व निभाने हेतु स्वयं को अनुशासित रख नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। मेरी दिनचर्या एक बार पुनः नियम के अनुसार प्रारंभ हो रही है। दिवस सर्वप्रथम मैं अपनी किरणें कैलाश पर्वत के शिखर पर भेजकर प्रभु महादेव का अभिवादन करता हूं, और जब मेरी किरणें मानसरोवर से टकराती हैं तब माता पार्वती शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। समय हो गया है, मुझे शीघ्र कैलाश के निकट पहुंचना चाहिए। ये क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल? किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? ये मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। सूर्यदेव, सूर्यदेव, सूर्यदेव। जलंधर का त्रिशूल तो यहाँ है, किंतु वो स्वयं कहाँ है? क्या हुआ सूर्यदेव? अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हुए बिना आगे बढ़ने की धृष्टता क्यों कर रहे हो?
दृष्टता मैं नहीं, दृष्टता तो तुम कर रहे हो जलंधर। सूर्यदेव हूं मैं, पाखंडी ईश्वर के लिए ना ही मैं रुकता हूं और ना ही उसके समक्ष शीश झुकाता हूं। आगे बढ़ो। रुकोगे? अवश्य रुकोगे। तुम्हें रुकने पे विवश कर दूंगा मैं। मेरा पाश बांध लेगा तुम्हें। मेरा रथ गिर रहा है, ये कैसे संभव है? अभी तो ये मेरी शक्ति परिचय का आरंभ मात्र है सूर्यदेव। तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की शक्ति तो अनंत अपार है। मैंने तो कहा था तुमसे कि मैं तुम सभी का भगवान हूँ। जितनी शीघ्र तुम ये बात स्वीकार करोगे और मेरी पूजा करोगे, उतना जीवन आनंद में होगा तुम्हारा। देवता पद पर स्थापित रहोगे, अन्यथा अपने आदेश का पालन करवाना मुझे भली भांति आता है। मात्र कह देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता जलंधर। हटो मेरे मार्ग से। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लो, हट गया मार्ग से। और इसके समक्ष शीश झुकाऊंगा? कदापि नहीं। मेरी आज्ञा का पालन किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते सूर्यदेव। चलो पीछे चलो तुम। मेरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में आ जाएगी। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो जलंधर। उचित यही है सूर्यदेव कि तुम मुझे भगवान स्वीकार करो, अन्यथा मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अभिवादन करो मेरा, मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ, मंत्र जपो मेरे। ओम जलंधराय नमः। ओम जलंधराय नमः। मैं नतमस्तक होऊंगा इसके समक्ष, कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान हूं, जलंधर हूं मैं।
मेरे समक्ष कोई भी देवता टेक नहीं सकता। मैं सूर्य देव हूँ। अपनी किरणों से सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने का दायित्व है मेरा। मेरी नियमित दिनचर्या से समस्त संसार में समस्त जीवन गतिशील होता है, और जो मेरी भी ऊर्जा के स्रोत हैं। परम सत्य है, अनंत है, अनादि है, सर्वव्यापी है, सगुण भी है और निर्गुण भी, दया निधान है, भक्त वत्सल है। जिनकी सरलता ही उनकी विशेषता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही मेरे प्रभु है। और सूर्यदेव का शीश उन्हीं सर्वोच्च ईश्वर के समक्ष झुकता है, तुम जैसे पाखंडी के समक्ष नहीं। हटो मेरे मार्ग से, यह तुम्हें मेरी अंतिम चेतावनी है। सूर्यदेव, मुझे भगवान स्वीकार करने पर यश कर दूंगा तुम्हें, यश कर दूंगा तुम्हें, यश। दुस्साहसी असुर, मैं तुम्हारे इन मिथ्या शब्दों से भयभीत होने वाला नहीं। हटो मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के दिव्य अश्व द्वारा कुछ ले जाओगे। आगे बढ़ो। और यदि मेरे अश्वों से सुरक्षित भी रहे तो मेरा तेज तुम्हें भस्म कर देगा जलंधर। चिंता चिता है, चिंता में डालकर मुझे मेरी चिता तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे सूर्यदेव। किंतु भगवान जलंधर चिंतित होने का नहीं, दूसरों को चिंता में डालकर उनकी चिता को सज्जित करना जानता है। सूर्यदेव, मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उसका उचित दंड भुगतोगे तुम। आदेश भी सूर्यदेव, रुकना तो होगा ही तुम्हें। कदाचित तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं, अष्ट सिद्धियों का स्वामी हूं मैं। प्रभु, आकाश में ये कैसी हलचल है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्यदेव उदित होना चाहते हो और उन्हें कोई रोकने का प्रयास कर रहा है? ये क्या रहस्य है? मुझे शीघ्र ज्ञात करना चाहिए।
क्या सूर्यदेव, मैंने तो मात्र अभिवादन करने के लिए कहा था, आपने तो घुटने टेक दिए। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के समक्ष, भगवान जलंधर प्रसन्न हुए। अनुचित है तुम्हारा ये कृत्य और तुम्हारा ये अटास, जिससे तुम मेरा ही नहीं मेरे प्रभु का भी अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं सहूंगा। जलंधर, तुम्हारे इन दुर्वचनों का और दुष्कृत का उचित उत्तर दूंगा मैं तुम्हें। उत्तर तो तुम्हें प्राप्त होगा अभी के अभी, जब तुम्हारे सभी वार निरर्थक हो जाएंगे और तुम मेरी प्रभुता स्वीकार करोगे। होंगे जलंधर, मेरी किरणों का ये शक्तिशाली बाण तुम्हें भेद देगा, मिटा देगा तुम्हारा ये ढोंग और दिखा देगा तुम्हें कि सूर्य देव का मार्ग बाधित करने का क्या परिणाम होता है। बाण से आहत हो गया ये पाखंडी। ये तो ऐसे अटहास कर रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। यही समस्या है तुम तुझ देवताओं की। शची, क्या हुआ प्रिय? स्वामी, कुछ तो बहुत ही अनुचित हो रहा है। वो सूर्यदेव। सूर्यदेव? ये आप क्या कह रही हैं देवी शची? क्या हुआ सूर्यदेव को? स्वामी, मैं देवी पूजा के लिए अपने भवन के अहाते से पुष्प लेने गई थी, तब सूर्य उदय के स्थान पर आकाश में मैंने कुछ विचित्र देखा। आइए देखिए, सूर्यदेव अभी तक प्रकट नहीं हुए। एक कैसा विचित्र प्रकाश, जैसे आकाश में कोई ज्वालामुखी फटा हो। नियम सर्वोपरि है सूर्यदेव के लिए, अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने में वो कदापि विलंब नहीं करते, और यदि उनसे विलंब हुआ है अर्थात अवश्य कोई अनहोनी घट रही है, अवश्य सूर्यदेव किसी संकट में है। निश्चित रूप से सूर्यदेव के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना अवश्य घटित हो रही होगी, किंतु क्या मुझे इसके बारे में ज्ञात करना होगा? देवगण, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव,
प्रतीत होता है सूर्यदेव किसी संकट में है। संकट जो भी है शीघ्र उसका कारण ज्ञात कर उसे दूर करना होगा हमें। प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा विघ्न आने वाला है। अब तो प्रथम पूज्य गणेश जी ही इस विघ्न को हट सकते हैं। अब और विलंब नहीं कर सकता, मुझे जाकर देखना ही होगा ताकि मैं उस संकट का समाधान। और हट जाओ सूर्यदेव के मार्ग से और उन्हें अपनी दिनचर्या पूर्ण करने दो। सावधान, मेरी दयाल तो अब क्षीण पड़ती जा रही है, जागृत हो रहा है। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध। अच्छा, अस्त्र प्रहार करोगे मुझ पर, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो देवराज इंद्र। बस बात हुआ जलंधर, हमारा शीश अपने समक्ष झुकाने के लिए तुमने सूर्यदेव का मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है, किंतु ज्ञात रहे एक श्वान सिंह का चर्म क्यों ना पहन ले, वो कभी भी सिंह नहीं बन सकता। उसी प्रकार स्वयं को महादेव बोल लेने से तुम महादेव नहीं बन जाओगे। तुम्हारे महादेव होने का ये श्वान अभी नष्ट होगा इसी क्षण। उचित कहते हो तुम, स्वांग अवश्य समाप्त होगा किंतु मेरा नहीं, उस महादेव का, जो मेरे समान दिखाई देते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है, तुम्हारा वास्तविक भगवान मैं हूँ और तुम सभी तुच्छ देवताओं हो। अपने पद पर स्थापित रहना चाहते हो तो मेरे समक्ष झुक के रहो या अभिवादन करो, अन्यथा ऐसी ताड़ना दूंगा तुम्हें कि सत्य और सत्य का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। तुम अपनी सासुरी प्रवृत्ति के कारण ही एक भगवान का अपमान कर रहे हो, किंतु तुम भगवान तो क्या, उनके भक्त बनने के भी योग्य नहीं हो। तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। शक्तिमान हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, सब कुछ संभव है मेरे लिए। सर्वप्रथम बोलो
अवज्ञा का कैसा दंड देता है। आओ देवराज, सांस तो टकराओ मुझसे। प्रणाम भैया। प्रणाम कार्तिकेय जी। गणेश, सूर्यदेव अभी तक आकाश में प्रकट नहीं हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज भोर होने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है। हाँ भैया, मुझे भी यह आभास हुआ है। सूर्यदेव का उदित ना होना किसी बहुत बड़ी अशुभता का संकेत है। संकट समक्ष है, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ अनुज। मैं तो पिताजी को बताना भी चाहता था, किंतु वो ध्यान मग्न है और बिना किसी बड़े कारण के उनके ध्यान में व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। कदाचित हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए अनुज। यदि कोई महासंकट उत्पन्न होगा तो देवता स्वयं उसकी सूचना लेकर प्रस्तुत हो ही जाएंगे। किंतु भैया, मुझे आभास हो रहा है कि देवगण किसी बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। कदाचित अब मुझे ही कुछ करना होगा। जलंधर, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे परशु प्रहार का सामना कदापि नहीं कर पाओगे। करूंगा तुम्हें। ये क्या, ये कैसे सुन?
पीड़ा का अंत होगा, अवश्य होगा, अभी के अभी। श्रेष्ठ जलंधर, तुम्हारे भगवान की शक्ति राज। प्रिय बलश्रेष्ठ, इन सभी देवताओं को ऐसा पाठ सिखाइए जो ये कभी भुला ना सके। देवों के देव भगवान जलंधर और उनकी पत्नी शक्ति से टकराने का कितना भयंकर परिणाम होता है, ये इन्हें याद करा दीजिए। ऐसा दंड दीजिए आज इन देवताओं को, ये पुनः आपके विरुद्ध जाने का दुस्साहस ना कर सके। उचित कहा तुमने वृंदा। तुम कुछ भी कर लो दुष्ट जलंधर, हम तुम्हें अपना भगवान कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। सकता मुझे, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान ही देते हैं। यदि मुझे पुनः स्वीकार किया तो उसका दुगना दंड भुगतना होगा तुम्हें। भगवान जलंधर और उनकी शक्ति के समक्ष तुम जैसे दुर्बल देवताओं का देखना असंभव है, और ये जितनी शीघ्र ज्ञात हो जाएगा उतना ही तुम्हारे लिए उचित है। चलो अब उठो तुम सभी। अब ये दुर्बल देवता प्रिय बलश्रेष्ठ के आदेश की अवमानना करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। आज से सभी देवताओं का प्रतिदिन अपने कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मुझे जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। सूर्यदेव, जाते जाते इतना बता दो कि अपना शीश मेरे समक्ष झुकाओगे ना? तुम जैसे असुर से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? किंतु तुम भगवान तो क्या,
उनके दर्शन योग्य भी नहीं हो। आज तुमने मेरा मार्ग रोककर समस्त सृष्टि को मेरे प्रकाश से वंचित रखा है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अभिमानी असुर स्मरण रहे, तुम्हारे कर्मों का फल महादेव स्वयं देंगे। ये बल श्रेष्ठ, ये तुष्ट देवता अभी भी उस पाखंडी का नाम जप रहे हैं। दंडित कीजिए इन्हें, मसल कर रख दीजिए, मिटा दीजिए इन्हें, मिटा दीजिए। क्या हमें इन श्रेष्ठ देवताओं की आवश्यकता है? नहीं, नष्ट कर दीजिए इन्हें, फिर हम अपने असुरों को चुनकर इनके स्थान पर नवीन देवता स्थापित करेंगे। अंत कर दीजिए इनका, अंत कर दीजिए इनका। नष्ट करूंगा इन्हें अभी के अभी। अब मेरे पांव तले कुचले जाओगे तुम सभी अभी के अभी। चौंधे आ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। प्रथम पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, अकस्मात ही प्रकाश कैसा, जिसने बलश्रेष्ठ की दृष्टि को भी इस प्रकार मंद कर दिया। सभी सुरक्षित हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। सूर्यदेव, सूर्योदय होना शेष है अभी, अपनी दिनचर्या आरंभ कीजिए आप। उचित है गणेश जी, उचित समय पर आकर आपने मेरा नियम भंग होने से बचा लिया। आपको कोटि कोटि नमन, आपको अनेकों धन्यवाद गणेश जी। अकस्मात आकर देवताओं को हमारे बंधन से मुक्त करा कर ले जा सकता है? असंभव, ये नहीं हो सकता। मैं कदाचित स्वयं का एवं बलश्रेष्ठ का यह अपमान सहन नहीं करूंगी। आज आपकी युक्ति मैंने असफल कर दी जलंधर, अब देखते जाइए
अब जब भी आप ऐसे मूर्खतापूर्ण सत्ता और एकमात्र पिताश्री के हाथों ही उसका वध संभव है। भाग गए वीरु देवताओं, किंतु कभी ना कभी तो फिर आओगे मेरे समक्ष। कभी ना कभी तो ये दुष्ट कैलाश आने पर विवश अवश्य होगा, अन्यथा मैं इसे विवश कर दूंगा। महादेव तो ध्यान मग्न है और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें। जलंधर ने आज जो अपराध किया उसे महादेव को बताना आवश्यक है। पुत्र गणेश। माँ। प्रणाम माता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सभी यहाँ इतनी भोर में, कुछ हुआ है क्या? देवता इतनी दीन अवस्था में क्यों है? क्या कारण है आपकी इस अवस्था का? जलंधर। जलंधर, देवगण, क्या किया है जलंधर ने? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, उसने हम पर आक्रमण किया और वो अकेला नहीं, उसकी पत्नी भी उसके साथ है। और असमंजस की बात तो ये है कि वो दोनों ही अपार शक्ति के स्वामी हैं और हमारे किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा उस जलंधर पर। किंतु आप देवताओं पर उसके आक्रमण का कारण क्या था? मैं जब नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का आरंभ कर रहा था, तब उस जलंधर ने मेरा मार्ग रोक दिया। मैंने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। और जब इंद्रदेव और अन्य देवता मेरी सहायता के लिए आए तो उसने हम सभी पर आक्रमण कर दिया और हम सब की दुर्दशा कर दी। किंतु उसने आपका मार्ग क्यों रोका सूर्यदेव? माता, दुष्ट है वो, कदाचित अपनी दुष्टता के कारण अहंकार वश ऐसा किया उसने। सूर्यदेव का मार्ग रोका, सृष्टि के नियमों को भंग करने का प्रयास किया, ये तो जैसे स्वयं जगत पिता महादेव को चुनौती देने के समान है। क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं सूर्यदेव? जो कुछ भी है स्पष्ट कहिए सूर्यदेव। माता, वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। देखा मां, अब वो सभी से अपनी पूजा करवाना चाहता है। उसके इस अपराध का दंड उसे अवश्य मिलकर ही रहेगा। इस जलंधर का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है, यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये शुभ नहीं होगा। माँ, मैं जाकर जलंधर को समझाता हूँ, उससे ज्ञात करूँगा कि वो स्वयं को भगवान क्यों कहते हैं। देखता हूँ कि इस समस्या का क्या समाधान संभव है। कहने सुनने समझाने का समय अब गया, वार्तालाप के नहीं प्रहार के योग्य है वो।
कुमार कार्तिकेय, ये कुमार कार्तिकेय कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कार्तिकेय आवेश में जलंधर के पास जा रहा है। नहीं, ये उचित नहीं, इससे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। पिताश्री ध्यान मग्न अवश्य है, किंतु मैं नहीं। जलंधर, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य दूंगा। मतलब स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। चिंता ना करें, मैं जाकर भैया को रोकता हूँ। मूषक जी। जी प्रभु। शीघ्र चलिए मूषक जी। जी प्रभु। मुझे भैया को रोकना ही होगा। क्रोधावेश में भैया जलंधर के साथ युद्ध आरंभ कर देंगे, जो निरंतर चलता रहेगा। हाँ प्रभु। भैया स्वयं परम ब्रह्म देव सेनापति हैं, किंतु जलंधर का वध एकमात्र पिताश्री ही कर सकते हैं। ये भैया को ज्ञात नहीं, इसलिए ये युद्ध बहुत विनाश करेगा। मूषक जी, भैया को रोकना अति आवश्यक है। प्रभु, हम कुमार कार्तिकेय की गति का सामना कैसे कर सकते हैं? चिंता मत कीजिए मूषक जी, हमारे पास एक उपाय है। उपाय है? आप समझ गए ना मूषक जी, मैं क्या करना चाहता हूँ? समझ गया प्रभु, मैं आपका उपाय समझ गया। चिंता मत कीजिए मूषक जी, आप अपना संतुलन बनाए रखिए। जी प्रभु। नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा मैं जलंधर और उसके इस प्रपंच को। मूषक जी, शीघ्रता से नीचे चलिए। जी प्रभु। हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं भैया, मैं आपको और आगे नहीं जाने दे सकता। मत रोको मुझे, अब मेरा क्रोध इस दुस्साहसी जलंधर को दंडित करके ही शांत होगा। प्रभु, देव सेनापति कार्तिकेय जी तो अत्यंत क्रोधित है, वो अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं, हमें उनके मार्ग को छोड़ देना चाहिए। नहीं मूषक जी, हम यही अड़िग रहेंगे। भैया को इतने आवेश में यदि जलंधर के पास जाने दिया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। परिणाम जो भी हो, उन्हें रोकना ही होगा हमें। भाई से तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। रुक जाइए भैया, आगे मत बढ़िए भैया, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हट जाओ मेरे मार्ग से गणेश, इस ढोंगी जलंधर को दंडित करके ही रहूंगा मैं। भैया, दंडित तो मैं भी करना चाहता हूँ जलंधर को, और उसके लिए आपके साथ चलने के लिए भी प्रस्तुत हूँ, किंतु प्रत्येक युद्ध परिस्थिति के अनुसार विशेष रणनीति से ही किया जाना चाहिए। उचित है अनुज, किंतु इस जलंधर को उसकी उद्दंडता का दंड देने के लिए हमें किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है। गणेश, या तो तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हट जाओ मेरे मार्ग से। भैया, पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ जलंधर, इसलिए एकमात्र पिताश्री उसका वध कर सकते हैं। स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी देते हुए बताया था, इसलिए आपका उससे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए भैया, रुक जाइए। ये क्या कह रहा है गणेश, असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा है? प्रभु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु, रोके उन्हें। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए।
मेरा अंत समय है ये। जो भी दोष हो मेरे, उनके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे प्रभु। प्रभु, मेरे प्राण गए। रुकिए मयूर जी। प्रभु, मेरे प्राण गए क्या? अब आप सुरक्षित हैं मूषक जी। हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जीवित हूँ। कुमार कार्तिकेय रुक गए, मेरी रक्षा हो गई। धन्यवाद प्रभु, जीवित हूँ मैं, जीवित हूँ। गणेश, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि एकमात्र पिताश्री ही जलंधर का अंत कर सकते हैं? हाँ भैया, यही सत्य है। मैंने स्वयं जलंधर की पत्नी के मुख से सुना है। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निगरों शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है वर्जरेश। किंतु गणेश, पिताश्री तो जलंधर को दंडित करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए तत्पर ही नहीं है। हाँ भैया, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा जिससे जलंधर गुरु शुक्राचार्य को दिया हुआ अपना वचन भंग कर दे, कैलाश आकर पिताश्री को चुनौती दे और पिताश्री उन्हें उनके इस अपराध का दंड देने के लिए विवश हो जाए। किंतु हम ऐसा क्या कर सकते हैं गणेश, जिससे वो स्वयं प्रेरित हो जाए कैलाश आने के लिए? संकट की आहट सुनकर तो साधारण वन्य पशु भी दूर चले जाते हैं। सिंह को देखकर मृग स्वयं उसके मुख में प्रवेश नहीं करता। तो फिर जलंधर को उसकी मृत्यु का कारण ज्ञात होने पर भी वो पिताश्री के समक्ष भला आएगा ही क्यों? आएंगे भैया, वो अवश्य आएंगे। उनकी आसुरी प्रवृत्ति ही उन्हें विनाश तक खींच लाएगी। किंतु इसके लिए हमें बल से अधिक बुद्धि की युक्ति की आवश्यकता है, और वो युक्ति मैंने सोच ली है भैया। गणेश, बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो तुम, किंतु मैं उस जलंधर को दंडित करने में तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। अब उसकी कोई भी उत्तंत्रता नहीं सहूंगा मैं। भैया का क्रोध शांत नहीं हुआ है, मुझे शीघ्र अपनी युक्ति से जलंधर का उपाय करना होगा, अन्यथा कहीं भैया जलंधर से युद्ध न आरंभ कर दे। देवगण, मेरा यही सुझाव है कि आप सभी शीघ्र जलंधर के पास जाइए। आप सब समझ गए हैं ना कि क्या करना है? ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? हाँ, हमारे नवीन भगवान है जलंधर जी। और भगवान के आदेश का पालन तो हमारा कर्तव्य है, तो उनके आदेश का पालन कीजिए। उनकी सभा में उपस्थित होकर बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा कीजिए, प्रसन्न कीजिए उन्हें। जलंधर के पास जाएं, उसकी प्रशंसा करें? आप हमें एक ऐसा आदेश दे रहे हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी? भोर में जो हुआ, जिस प्रकार उसने हमें आतंकित किया, उसके बाद भी आप इन असुरों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? प्रथम पूज्य गणेश जी, आप हमें ऐसा करने क्यों कह रहे हैं? हम इसका तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं गणेश जी। हम भी समझ नहीं पा रहे। प्रथम पूज्य है गणेश, उसका कोई भी सुझाव अनुचित नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है गणेश का सुझाव जलंधर के आतंक को बढ़ाने के लिए नहीं, उसे मिटाने के लिए है। बुद्धि का देवता है गणेश, वो जो भी कहता है पूर्ण सोच विचार करके ही कहता है। आप सभी को भी उसकी बुद्धि पर विश्वास कर उसके सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। माता, मुझे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की बुद्धि पर कदापि संदेह नहीं है। मैं तो बस उनके दिए सुझाव को लेकर आश्चर्यचकित था। यदि संदेह नहीं है तो ये चर्चा व्यर्थ। अब वही करिए जो गणेश ने कहा है। ये लीजिए प्रिय श्रेष्ठ, मदिरा पान कीजिए और शांत हो जाइए। मदिरा। प्रिय बलश्रेष्ठ, ये सभी देवता अनंत काल से महादेव के अधीन रहे हैं, तो इतने शीघ्र आपकी सत्ता कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए तो मैंने आपको सुझाव दिया है, अंत कर दीजिए सभी देवताओं का और अपने असुरों को।
उनके स्थान पर नियुक्त करके इस समस्या को जड़ से ही मिटा दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वही करने जा रहा था मैं, उन सभी का वध करने जा रहा था, किंतु ज्ञात नहीं एक विचित्र सा गजमुख बालक कहां से प्रस्तुत हो गया, उन सभी को बचा ले गया। हाँ प्रिय बाल श्रेष्ठ, वो बालक था कौन? ये क्या कर उसे उसकी इस उद्दंडता के लिए दंडित करना अति आवश्यक है। देवराज, विष का उपचार करने के लिए विष का ही प्रयोग करना होता है। जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें भी चतुराई से ही देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सभी मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करें और अपने विनाश के मुख में प्रवेश कर जाएं। इसलिए अब विलंब मत कीजिए, मैं और भैया भी शीघ्र इस स्वघोषित नवीन भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। उसे तो ऐसा दंड दूंगा जो समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को चुनौती देने का दुस्साहस किया। आनंद आए, मुझे आनंद आएगा उसे दंडित कर। गणेश, तुम्हारी इस युक्ति में तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा मैं, किंतु यदि जलंधर ने पुनः अपने शब्दों से अथवा अपने किसी भी कृत्य से अपनी सीमाएं लांघी तो उस पर आक्रमण करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा मैं। अहंकारी जलंधर अवश्य ऐसा कुछ करेगा जिससे पुत्र कार्तिकेय का क्रोध और बढ़ेगा। तब यदि उसने जलंधर पर वार किया तो गणेश की युक्ति कैसे सफल होगी? माँ, ये कार्य तो बहुत जटिल हो गया है, मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक ओर जलंधर की मूर्खता है तो दूसरी ओर है कार्तिकेय भैया का क्रोध। हाँ पुत्र गणेश, तुम्हारे अग्रज कार्तिकेय तो अत्यंत क्रोधित है, उसके क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें ही उसे संभालना होगा पुत्र। हाँ माँ, मूर्ख की मूर्खता ही उसका नाश करती है, जलंधर की मूर्खता को तो अस्त्र बनाकर मैं उसी के विरुद्ध प्रयोग करूँगा, किंतु उसके लिए भैया का अपने आवेश को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि जलंधर ने संकट भांप लिया तो वो सचेत हो जाएंगे और कदाचित मेरी युक्ति असफल हो जाएगी। प्रिय बलश्रेष्ठ, आप तनिक भी निराश ना हो, आपने उन सभी देवताओं को अपनी शक्ति का परिचय तो दे ही दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत शीघ्र ये सभी देवता आपकी चाटुकारिता करते पाए जाएंगे, आपके सभी आदेशों का पालन चुपकी में करेंगे। अरे वाह, ब्रह्मा ने चुटकी बजाई और सभी देव भय खाकर आ भी गए। तो अंततः देवताओं को बात समझ में आ ही गई कि उनका हित यही है मेरे बलश्रेष्ठ के समक्ष। बुद्धिमान वही होते हैं जो परिस्थिति को भांपकर युक्ति से समस्या का हल निकालते हैं।